आदमी को हर शबाद बाप का अली एवन फ्रॉम हैक अहमद हसन और स्टार्ट हुआ खूबसूरत रेस फर्स्ट रेस मैन ऑफ द गेम के लिए और अब हम फास्टेस्ट मैन नईम अख्तर के पास इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है आज और नईम आपको अंदाजा था कि आज आप नेशनल रिकॉर्ड भी बना देंगे चकवाल से आपका ताल्लुक कुछ अपने बारे में बताइए आप भी बहुत धीमे अंदाज से बोलते हैं जितना तेज भागते हैं इससे पहले आपने 100 मीटर में लिए थे पार्टिसिपेट वहाँ क्या रहा था या इससे पहले कौन सी कैटेगरी में होते थे जब मैं ना एथलेटिक में आया था तो मैं कुछ भी नहीं था तो ये मेरे गुरु साहब ने ना मुझे मेहनत करवाई हमारी मैच में कौन से पहुँचा तो इससे पहले मैं पूछना चाह रहा था कि आप 100 मीटर में पार्टिसिपेट करते थे या पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया या इससे पहले कौन सी रेसिस में आप आते थे आपको मालूम है दरअसल थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जो रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पे टाइमिंग मैं बताता चलूँ वो 10 सेकंड से कम बताया गया है लेकिन अभी विंड का देखेंगे और बहुत सारे ज्ञान है तो उसके बाद फाइनल डिसाइड होगा अगर आप 10 सेकंड से कम हुए तो आपको मालूम है कि आपने क्या मार का अंजाम दिया है क्या नेशनल रिकॉर्ड तो हो जाएगा लेकिन साउथ एशियन या एशियन सतह पर भी बहुत मुश्किल होता है कि आप अंडर 10 हो लेकिन फिर भी आपका नेशनल रिकॉर्ड हो गया कोच इनके साथ खड़े हैं और इनसे मैं बात करूंगा जी आप नईम के कोच हैं ये बताएं चकवाल से इनका ताल्लुक क्या क्या करते रहे किस तरह आपने इनको ग्रूम किया बिस्मिल्लाह रहमान सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इतनी अच्छी कवरेज की है पूरे नेशनल गेम्स की स्पेशली जियो सुपर का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने पूरी नेशनल गेम को कवर किया है और स्पेशली हमारे इवेंट में आए और हमें भी इसका बड़ा फ़ख्र है कि हमें लाइव दिखाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में और जहाँ तक नईम का ताल्लुक है नईम बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है वो पिछले 5 साल से मेरे पास एज ए प्लेयर ट्रेनिंग कर रहा है और जब ये आया था इसमें कोई खास पोजीशन नहीं थी उस वक्त ये नेशनल में नंबर 5 नंबर 6 पे था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सख्त मेहनत कोचेस की रिस्पेक्ट और आज आपके सामने है कि फास्टेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान का हिसाब लेकर और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले कंपटीशन जो इंटरनेशनल है उसमें भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा नईम अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताएं और आगे अपने एम्स के बारे में बताएं क्या खेलना चाहते हैं कहां तक जाना चाहते हैं जाहिर बात है हर एथलीट का हाफ ओलंपिक मेडल होता है उस तरीके से तैयारी अपने आप को करेंगे या क्या होना चाहिए आपको मालूम है कि आपने आज कितना रिकॉर्ड बनाया है इससे पहले भी आप अपने ट्रेनिंग के दौरान कभी 10 या अंडर 10 रहे